Hi, girls and boys. Have you ever heard about this word, Swara Yoga? Some of you might have heard, but today I'm going to talk about what is Swara Yoga. What is brain breath? मैं हिंदी में भी बात करूँगी और इंग्लिश में भी बात करूँगी. तो हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास एक पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना के नाम से भी जानते हैं. ये तीन नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर में हैं. वी हैव ईड़ा, वी हैव पिंगला एंड वी हैव सुषुम्ना नाड़ीज इन आर बॉडी. ईड़ा स्वर तब चलता है जब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, नाक से हम सांस लेते हैं, जो एक फेमिनिन शक्ति बोला जा सकता है उसको. और उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से ठंडा सांस आता है, ठंडा सांस जाता है, और वो हमारी नाड़ी ठंड वाली है. लेकिन जो पिंगला है स्वर, जो राइट साइड की हमारी नाड़ी है, उसको मैस्कुलिन भी बोलते हैं, उसको शिवा भी बोलते हैं, और वो सन नाड़ी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो गर्म गर्म है, उसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं. When we take breath from the left nostril, it is called Ida Swara because we are taking breath from that side, and it is described as feminine. And it is also called Chandra Nadi or moon-like, while Pingla, which is on the right side, when we take breath from the right nostril, that's masculine. It's also called Shiva, and it is sun-like because it is hot. Swara, when we translate it into English, it can be called as musical note or sound, but as a type of yoga, swara refers to steady breath taken in through a single nostril. It is a practice that teaches yogi to reach the level of concentration, allowing them to focus on controlling each breath that enters through the nostrils. So, agar hum usko translate karte hain to uska matlab hai musical note. लेकिन जो योगा करते हैं उस स्वरा को, जब जैसे वो ब्रेथ लेते हैं अंदर एक सिंगल नोस्ट्रल से, एक तरफ से जब सांस लेते हैं, तो वो स्वरा योगा बोला जा सकता है उसको. एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस, वो एक तरह की उनकी प्रैक्टिस है योगी की, कि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनको फोकस करना, कंट्रोल करना हर चीज़ पे आ जाता है. और वही हम इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हर चीज़ को अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक सांस को ठीक तरह से लेने से. सच अ फैसिनेटिंग थिंग अबाउट स्वरा योगा इज़ दैट जस्ट बाय बीइंग अवेयर ऑफ द स्वरा इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, द काइंड ऑफ डोमिनेंट नॉस्ट्रिल यू हैव, यू कैन मैनिपुलेट द रिजल्ट ऑफ वॉट यू आर अबाउट टू डू. इन अदर वर्ड्स, यू कैन फाइंड आउट विच इज़ गोइंग टू बी द सक्सेसफुल रूट एंड देन फॉलो इट and then go ahead in it, and can be as simple as checking your nostril before setting out of the house, noting the direction you wish to go in, and then choosing the appropriate foot with which you will make your first step to ensure success and positive outcome for everything that follows thereafter. So agar iske sath aap chalenge to aapko ye samajh aayega ki isko use karne se ki kaun sa nostril chal raha hai, क्या आपको बाहर जाना चाहिए उस टाइम पे, अगर जाना चाहिए तो क्या आपका ये काम होगा कि नहीं होगा, ये सब हम देख सकते हैं सिर्फ अपना ये देखने से कि कौन सी सांस की नाड़ी हमारी ज़्यादा अच्छे से चल रही है और कौन सी कम अच्छे से चल रही है, और उसको कैसे ठीक करना है वही हम इसमें सीखेंगे. यू हैव टू चेक विच नाड़ी इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इज़ इट चंद्र नाड़ी और इज़ इट सूर्य नाड़ी. If you just have to see how it is when you take a breath, if you are able to breathe smoothly through the Chandra Nadi or Ida Nadi, that means your Ida is prominent. But if it is Chandra Surya Nadi, then your Pingla is prominent. जब आप सांस ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए उसमें कि कौन सी वाली नॉस्ट्रिल से, कौन से वाले नाक से आपको अच्छे से सांस आ रहा है. अगर आपको बाएं नाक से अच्छे से सांस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी अच्छे से चल रही है, जो ठंडी है. और अगर आपको दाहिने से अच्छे से आ रहा है, दैट मीन्स आपकी पिंगला नाड़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, जो कि गर्म नाड़ी है, जो कि सूर्य नाड़ी है. तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, या अपना हाथ अपने आगे रख के, नाक के आगे रख के आप देख सकते हो कौन से वाले से आप ज़ोर से जब बाहर को सांस निकालेंगे तो देखेंगे कि कौन से वाला ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर गिर रहा है. तो आपको वहीं से समझ आएगा कि आपकी कौन सी वाली नाड़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे चल रही है.
Right nostril, it signifies it's acidic in nature. When you are taking breath from the right nostril, so you have more of acidic body. And when you are taking breath from the left nostril, it's alkaline. It's more of alkaline body. And alkaline body is always good other than acidic body. बाया नाक से अगर सांस अच्छे से आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो शरीर है वो ज़्यादा अल्कलाइन है, वो अच्छा है, अल्कलाइन बॉडी अच्छी है. और अगर दाहिने से सांस ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका शरीर एसिडिक है, क्योंकि वह दैट सिग्निफाइज एसिडिक बॉडी बेसिकली. स्वर योगा लेस द ड्यूरेशन फॉर एक्टिवेटिंग अ नाड़ी विच इज 60 to 80 मिनट्स. इफ द ड्यूरेशन एक्सीड्स 80 मिनट्स देन इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ डिजीज. For example, if pingla nadi is activated for more than 80 minutes, then it is sure you will fall sick. And the same case is applicable to ida nadi. If you are suffering from some immediate sickness, just change your side of the breath. Swara yoga lays the duration for activating a nadi, which is 60 to 80 minutes. If the duration exceeds 80 minutes, then it can be a symptom of disease. For example, if pingla nadi is activated for more than 80 minutes, then it is sure you will fall sick. And the same case is applicable to ida nadi. If you are suffering from some immediate sickness, just change your side of the breath. अगर आपको कोई एक भी नाड़ी से, चाहे वो चंद्र नाड़ी हो चाहे वो सूर्य नाड़ी हो, अगर 80 मिनट तक एक ही नाड़ी चल रही है, एक ही तरफ से आप सांस ले रहे हैं, तो वो एक सिम्टम दिखाती है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी है या होने वाली है. तो उस केस में आप अगर अपनी नाड़ी का जो सांस लेने का दाहिने से आ रहा है तो बाएं से आ रहा है तो दाहिने से, अगर आप ये चेंज कर देते हैं तो आपको वो बीमारी नहीं होगी. तो वही हम सीखते हैं कि अभी वो कैसे कर सकते हैं हम. दिस शिवा इज साइटेड एज टेलिंग पार्वती, ओ पार्वती, देर इज़ नो चांस ऑफ एनीथिंग नेगेटिव और अनऑस्पिशियस इन प्रैक्टिस ऑफ स्वर योगा. Because if one purifies and harmonizes the swaras, every action becomes auspicious. Shivji Parvati ji se keh rahe hain ki agar koi bhi swara yoga ko use karta hai aur uske sath practice karta hai to wo purify ho jata hai uske karan, aur uske paas jo bhi hoga wo hamesha acha hi hoga, uske sath kabhi bhi kuch bura nahi ho sakta. Let's see what happens when you're breathing through the left nostril. It's decision making, planning for something that has a long term effects, far sighted thinking, meticulous study of a subject, any kind of scholarly or creative action, etc. should begin when the Chandra Swara is active. Important decision making, fixing of a marriage, rituals of marriage, investment, charity, digging a well, drawing an architect of a building, planning or starting journey, prescribing a medicine, selecting a career, buying or ordering a jewelry, signing a paper, pledging, doing a research experiment, studying, practicing spiritual exercises of yoga, mantra jap, meditation, yagya, etc. should begin with the Chandra Swara is active. Whenever the Chandra Swara is active, you should be starting all these activities in your life. Chandra Swara jab chal raha hai to aap क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं. डिसीजन लेना, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी स्कॉलरली एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हो, कोई दूर की सोच रहे हो, या फिर कोई भी आपके मैरिज किसी की डिसाइड करना है, कोई फिक्स करना है, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पर कुआं खुदवाना है, कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग का बनाना है, और कोई जर्नी शुरू करना है, कहीं जाने की तैयारी करना है, किसी को कोई दवाई प्रिस्क्राइब करना है, कोई करियर प्लान करना है, ज्वेलरी खरीदना है, कोई भी मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट काम, इवन कि जब आपको मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है, यज्ञ करना है, उस टाइम पे आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है चंद्र नाड़ी चढ़े चलनी चाहिए, और वो चल रही होती तो आपके सारे काम ठीक होंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द राइट नॉस्ट्रिल इज एक्टिव. Breathing through the right nostril is desired in violent, aggressive, strong activities, fighting in a battlefield, struggling against a barrier, forceful debating or arguing on a hot topic, killing, hunting, sexual coupling, practicing a tantra, hard labor like breaking a stone, pulling an iron cable, cutting wood or diamonds, sizzling a pearl, rigorous physical exercises, etc. are most successful if performed in a state when Surya Swara is on. The intense, rapid, energizing flow of prana
associated with this swara is essential for awakening of jealous empowerment and excitation of the mental and bodily faculties. जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो क्या होता है, वह बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ करने के टाइम पे बहुत हेल्प करता है. कोई बहुत गुस्से में है तब उसके लिए और मदद हो जाती है. कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, कुछ हंटिंग के लिए जा रहे हो और कोई तंत्रा की प्रैक्टिस हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई हॉट टॉपिक पे आर्ग्यू हो रहा है, फिर यहाँ कोई पत्थर को तोड़ रहा है, कोई मतलब कोई भी जिस पे जोर लगेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए, उस सब केसेस में हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए. हमारा सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है या चल रहा होगा तभी हम ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं और ये कर पाते हैं. नाउ हाउ टू मेक सक्सेस इन एवरीथिंग, दैट इज़ वाइल कमेंसिंग अ जर्नी द फुट राइट और लेफ्ट विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्वरा बींग एक्टिव एट दैट टाइम शुड बी यूज इन द फर्स्ट स्टेप. This gives good support to the success of the journey. आप कहीं जा रहे हैं, कहीं नया कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं तो देखो आपका कौन सा स्वर चल रहा है. अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर चल रहा है या फिर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप हमेशा अपना लेफ्ट फुट बाहर रखिए, अपना बायां पैर बाहर रखिए शुरू करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले. और अगर आपका दायां चल रहा है तो अपना दायां पैर बाहर रखिए. जो स्वर चल रहा है अगर उसी हिसाब से आप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी उस रास्ते में, उस जर्नी में जो भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं. आई एम टेलिंग इट अगेन दैट व्हेन एवर अ डिजीज और जर्म्स इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल्टरिंग ऑफ ब्रीदिंग ऑफ ईड़ा एंड पिंगला विल बी स्टॉप्ड एंड वन नोज ब्रीदिंग विल कंटिन्यू. यू विल नोटिस दैट यू आर ब्रीदिंग ओनली बाई ईड़ा और पिंगला फॉर आवर्स, इट्स नॉट चेंजिंग. And this, if this one nose breathing continues for 7 days or more without any stop, you will be attacked with dangerous disease without delay. At this stage, you will have to change your breathing by force. If your breathing is in Ida, change it to Pingla, and if it is in Pingla, change it to Ida. By this way, you will be able to prevent your dangerous disease. It is needless to say that it will be very difficult for you to alter breathing at the time of disease if you have not practiced it when you were in perfect health. हम ये देख सकते हैं अगर हमें continuously एक ही नाड़ी एक ही स्वर चल रहा है, left हो या right हो, एक ही तरफ से हमें सांस आ रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि हमें कोई ना कोई बीमारी होने वाली है. Suppose किसी को सिर्फ चंद्र नाड़ी ही चल रही है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है उसको कुछ ठंड की बीमारी हो जाए, बिकॉज ये ठंडा स्वर है, उससे आपको हो सकता है कोल्ड है, साइनस है या कोई बहुत बड़ी इस तरह से लंग से रिलेटेड इशू हो सकता है. अगर किसी का सिर्फ राइट स्वर चल रहा है और सूर्य नाड़ी चल रही है तो हो सकता है उसके बॉडी में हीट इतना होता जाएगा जिसके कारण उसको हो सकता है अल्सर हो सकता है पेट में या कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हीट है और वो हीट जहाँ ऊपर से हीट हमेशा नीचे को जाएगी तो जाते जाते वो यूरिनरी ब्लैडर और इवन लिवर में या कहीं पर भी हीट जा सकती है. तो आपको अगर बार बार अगर एक ही नाड़ी से सांस आ रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है और उसको ठीक करना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप उसको ठीक कर सकते हो. Now, very very important methods for changing the swara from one nostril to another. So, whenever there may be a necessity or desire to change the respiration from one nostril to another, one should lie down for a while sideways on the side of which the nostril is breathing at the moment. Soon the breathing would change over to the other nostril. For example, if one is breathing from the left nostril and wants to change it to the right nostril, he should lie sideways pressing the left side. This will automatically change his breathing to the right nostril. In other words, one should lie to the opposite side of the nostril to which he wants his breathing to change over. Lying on the left side will induce breathing to the right nostril and vice versa. Another thing you can do is, if you are having your suppose Chandra Nadi is not working well, it is not you're not able to breathe through the left nostril, start your breathing from the right nostril. Now you should be stopping your right nostril and then start alternate breathing. Jisko hum what we call it anulom vilom. So you should be starting from the right nostril. So do it for some time. It will start automatically. Your left nostril will start working properly. बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझें कि हम नाड़ियों को चेंज कैसे करते हैं सांस लेने को. सपोज़ आपका जो लेफ़्ट ब्लॉक्ड है, आपको चंद्र नाड़ी से सांस नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपना अनुलोम विलोम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे, राइट साइड से. हमें सूर्य नाड़ी से शुरू करना है,
लेफ्ट से नहीं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे, मे भी आपको 5-6 बार करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट स्वर चल पड़ा और राइट बंद हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करके आएगा। और दूसरा है, आप लेट सकते हैं, सपोज़ आपका लेफ्ट स्वर बंद है तो आप लेफ्ट साइड अपना ऊपर नाक करके लेटिए तो आपका वो लेफ्ट खुल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली देख लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं इन दोनों तरह से। या फिर खूब सारा पानी अपने हाथ में लेके आँखों पर आप स्प्लैश कीजिए, स्प्लैश वाटर ऑन योर आईज। सो उससे भी आपका जो स्वर है जो नहीं चल रहा वो चलना शुरू हो जाएगा। सो इन केस यू वॉन्ट टू प्रोलोंग योर यूथ, यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस चेंजिंग स्वर एट विल इन द डे। वेन एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी, वन शुड इमिडिएटली ट्राई टू चेंज द स्वर फ्लोइंग एट दैट मोमेंट। चेंजिंग द स्वर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे इन दिस मैनर कंसिडरेबली प्रोलोंग्स द यूथ। सो अगर आप यंग दिखना चाहते हो, ज़्यादा देर तक रहना चाहते हो कि आप यंग रहो और हेल्दी रहो, तो ऐसी एक आदत बना लो कि दिन में बार बार आप अपना स्वरा चेंज करते जाइए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जैसे हर 2-3 घंटे के बाद आप देखिए आपका कौन सा सांस चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है, तो उसको चेंज कर दीजिए। सपोज़ आपकी राइट नाड़ी जो है वो नहीं चल रही है तो सांस लेना शुरू करिए लेफ्ट नाड़ी से, अनुलोम विलोम करना शुरू करिए। बस 5-6 बार करिए तो आपकी राइट नाड़ी चढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी जो है वो ज़्यादा नहीं चल रही है तो अनुलोम विलोम शुरू करिए, लेकिन राइट नॉस्ट्रल से लेना शुरू करिए। तो ऐसा करने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और यूथफुल रहेंगे। सो इन केस देर इज़ अ पेन इन द चेस्ट, बैक, वेस्ट और स्टमक, देन वन शुड इमिडिएटली स्टॉप द स्वरा विच इज़ फ्लोइंग एट दैट मोमेंट। This will give relief from pain. Asthma, when there is an attack of asthma and suffocation begins, then one should immediately stop the swara flowing at the moment. As a measure of permanent cure, he should try to keep the flowing swara changing from one to another for a moment or for a month. The greater is the effort in altering the flow of the swaras, the better would be the cure from the malady. अगर किसी को भी पेन है चेस्ट में, बैक में, वेस्ट में, स्टमक में, तो इमिडिएटली वो जो भी सांस की नाड़ी जिस जो भी चल रही है उसको बंद करके दूसरी तरफ से स्टार्ट करें, तो इससे उनको रिलीफ मिलेगा। और अस्थमा के अगर पेशेंट को कभी कोई अटैक आता है या सफोकेशन लगती है तो उस टाइम पे फटाफट अपना स्वर को चेंज करना है। अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको चंद्र नाड़ी को चलाना है। नहीं कुछ हो सकता तो उस तरफ को लेट जाइए, जिस तरफ की नाड़ी नहीं चल रही है उसका नाक ऊपर को करके लेट जाइए, तो वो जब चलना शुरू होगा तो आपकी जो बीमारी है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा। वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, 1 महीने तक करिए, तो अस्थमा पूरा का पूरा क्योर हो जाता है। ये लोगों ने प्रूव किया है, बहुत सारे साधुओं ने प्रूव किया है, तो आप भी करके देख सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिशनर्स और थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर। If a patient comes to you and he is in case sitting on the left side of you, if you are sitting on a chair and he is sitting on left side and your right swara is working, in that case your treatment may not be very successful. So you, if the person is sitting on the left, let him sit on the right, because if he is sitting on the right and your right swara is working, so he will be able to prescribe him the better medicine and he'll be cured. So in same way, if it is on the left side, the left swara should work, and if it's on the right side, if the person is on the right side, then the right swara should work. अभी ये उन थेरेपिस्ट के लिए या डॉक्टर्स के लिए है जिनके पास पेशेंट्स आते हैं या कोई सलाह लेने आता है। अगर आपका पेशेंट आपके लेफ्ट साइड बैठा है और आपका राइट स्वर चल रहा है, तो आप शायद उसको ठीक तरह से डायग्नोज नहीं कर पाएंगे और शायद अच्छा ट्रीटमेंट भी ना दे पाएँ। तो उस केस में आपको देखना है कि उस पेशेंट को राइट साइड बिठा के आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। और अगर पेशेंट राइट साइड है और आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तब भी आपका डायग्नोस ठीक नहीं होगा। सो ये आपको देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। पेशेंट को आपको अकॉर्डिंगली बिठाएंगे तो आपका डायग्नोस ठीक होगा और आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फॉर पीपल हु हैव इनडाइजेशन, दे सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन, शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ टेकिंग द फूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राइट स्वरा। दिस विल ग्रेजुअली relieve the existing indigestion and develop a healthy appetite and digestion. Lying down on left side for about 15 to 20 minutes after meals also facilitates the process. There is another way also of getting rid of the chronic indigestion. One should sit daily for 10 to 15 minutes in Padmasana and concentrate his sight on his navel. This would cure the disease even within a week. Ek bahut hi important cheez
जो कि लोग जिनको इनडाइजेशन से सफ़र करते हैं उन लोगों को उस टाइम खाना खाना चाहिए जब उनका राइट स्वर चल रहा हो, दाहिना स्वर चल रहा हो, सूर्य नाड़ी चल रही हो, क्योंकि वो उनको डाइजेशन में हेल्प करेगी। और उसके बाद अगर वो लेटे 15 से 20 मिनट के लिए खाना खाने के बाद अपने लेफ्ट साइड पे, तो भी उनको हेल्प होगा डाइजेशन में। दूसरी बात है, एक और चीज़ वो कर सकते हैं रोज़ के रोज़, अगर 15 से 10 मिनट या 15 मिनट रोज़ पद्मासन में बैठे खाना खाने के बाद, और अपना ध्यान अपने सिर्फ नेवल पे रखें, अपने नेवल पे रखने से उनको काफ़ी बीमारी में फ़ायदा होगा। और सोचते रह सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं कि उनका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो रहा है और वो हेल्दी हो रहे हैं।